लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। रेल यात्री ध्यान दें, पंजाब की ओर जाने वाली 100 से अधिक गाड़ियां प्रभावित। अमृतसर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते 19 से 31 जुलाई के बीच लगभग 100 से अधिक रेलगाड़ियां प्रभावित रहेंगी। अमृतसर स्टेशन पर 19 से 31 जुलाई के बीच चलेगा नॉन इंटरलॉकिंग का काम। कई गाड़ियां प्रभावित। नई दिल्ली उत्तर रेलवे के अमृतसर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते 19 से 31 जुलाई के बीच लगभग 100 से अधिक रेलगाड़ियां प्रभावित रहेंगी। इनमें से लगभग 50 रेलगाड़ियों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। वहीं कुछ गाड़ियां को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। कुछ गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। प्रमुख रूप से ये रेलगाड़ियां रहेंगी रद्द। रेलवे ने नंगल डैम एक्सप्रेस चंडीगढ़ अमृतसर इंटरसिटी, सहरसा अमृतसर जनवरी सेवा एक्सप्रेस, अमृतसर दरभंगा जनवरी नायक एक्सप्रेस, हरिद्वार अमृतसर जनशताब्दी एक्सप्रेस, सीएसटी मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस, रावी एक्सप्रेस, कर्मभूमि एक्सप्रेस, अमृतसर गोरखपुर सुपरफास्ट, नई दिल्ली जलंधर सिटी एक्सप्रेस आदि गाड़ियों की सेवाओं को रद्द किया है। दैनिक यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किल। अमृतसर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते 21 पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। वहीं कई गाड़ियों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी को मानावाला से अमृतसर के बीच आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। वहीं शान ए पंजाब ट्रेन को ब्यास से अमृतसर के बीच रद्द किया गया है। शहीद एक्सप्रेस अंबाला से अमृतसर के बीच रद्द रहेगी। जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को जलंधर सिटी से अमृतसर के बीच रद्द रहेगी। नीलाचल एक्सप्रेस की सेवाएं बहाल। वाराणसी से जंघई सेक्शन पर यातायात ब्लॉक के चलते आनंद विहार टर्मिनल से पुरी के बीच चलने वाली नीलाचल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की सेवाएं पहले 17 जुलाई को रद्द रखने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इस गाड़ी को लखनऊ सुल्तानपुर जफराबाद वाराणसी के परिवर्तित मार्ग से चलने की घोषणा की गई है।